आज बन रही है माँ बेटी रसोड़ा में पेट दर्द की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन गड़तुम्बे की फाकी, जिसमें हमने ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अब वीडियो में आगे देखेंगे। गड़तुम्बे की फाकी बनाने के लिए हमने यहाँ गड़तुम्बे लिए हैं। वजन के अनुसार ये 1 से 1.5 किलो हैं। हमने यहाँ मसाले सारे 50-50 ग्राम लिए हैं। हमने लिया है आंवला, भरड़, हरड़, सेंधा नमक, साथ ही में काला नमक लिया है, सादा नमक, जीरा, सफ़ेद जीरा, अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च, पीपल और मेथी दाना लिया है। हमने यहाँ सारे 50-50 ग्राम लिए हैं। हमने यहाँ लिया है एक मिट्टी का बर्तन। इस तरह से हमारा हम गड़तुम्बा काटकर मिट्टी के बर्तन में डालेंगे। सारे गड़तुम्बे को हम इसी प्रकार से काटेंगे। सभी हमने काट के तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारा नमक, ऐड करेंगे जीरा, सफ़ेद जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, पीपल। हमारे जो ये खड़े मसाले बचे हैं इनको हम थोड़ा कूट करके डालेंगे। काली मिर्च सौंठ को हमने हल्का हल्का कूट के डाल दिया है। हमने हमारे यहाँ सारे खड़े मसालों को, आंवला, हरड़, बरड़, नमक, काली मिर्च को थोड़ा थोड़ा कूट के डाल दिया है। यानी हमने यहाँ दरदरा ही कूटा है। यहाँ हम इसको मिक्स करके 10 से 15 दिन धूप में रख देंगे। इसको तैयार होने में 10 से 15 दिन लगेंगे। देखिए हमारी फाकी 10 से 15 दिन में अच्छी तरह से सूख करके तैयार है। इस तरह से गड़तुम्बा फोड़ के देखिए क्रश हो रहा है। यहाँ हम लेंगे इस तरह का एक मामजस्ता, इसको हम मूसल कुट्टा भी बोलते हैं। मिक्सर को हम मामजस्ते में ऐड करेंगे और मूसली की हेल्प से इसको कूट के तैयार करेंगे। अच्छी तरह हम इसको कूटेंगे, ये देखिए इस तरह से। गड़तुम्बे की फाकी को अच्छी तरह कूटने के बाद हमने मिक्सर जार में डाल करके हल्का दरदरा पीस करके तैयार किया है। हमने आपको वीडियो में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि पीसते समय इसकी महक चढ़ती है, तो आप इसको सावधानी से पीसें। जब भी पीसें आप इस तरह का कोई भी जार ले लें, कांच का, जिसमें हम इसको डालकर स्टोर आप 2 से 3 साल या फिर काफ़ी सालों तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये गड़तुम्बे की फाकी आप पेट दर्द, कब्ज या फिर किसी भी तरह की पेट की संबंधित बीमारी होने पर ले सकते हैं। 1 चम्मच आप इस फाकी को 1 ग्लास गर्म पानी के साथ लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आपको अगर कुछ समझ ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।